राजस्थान के जालौर जिले में एक अध्यापक ने दलित छात्र की बुरी तरह से पिटाई की, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं अभी यह मामला बेहद ही गर्मा गया है और उसको लेकर भिवानी में आज अंबेडकर संगठनों ने स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित होकर शहर में प्रदर्शन किया तथा उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से मृतक बच्चे के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है और वहीं आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम गहलोत ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट करके कहा कि जालौर के सायला थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण छात्र की मृत्यु दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध हत्या व SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध गिरफ्तारी की जा चुकी है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की गई है। वहीं आज अंबेडकर राइट संगठनों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए राजस्थान सरकार से इस्तीफे की मांग की है और साथ ही उनके द्वारा इंदर मेघवाल को न्याय दिलाने की भी मांग की है। उनका कहना था कि सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती तो आगे बड़ा आंदोलन देश में विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाएगा। आज हम समस्त SC और BC समाज राजस्थान के अंदर, जो जालौर जिले के अंदर हमारे एक मासूम बच्चा इंद्र मेघवाल का कसूर सिर्फ इतना था, उसने हेडमास्टर की मटकी से पानी पी लिया था और उस मटकी की सज़ा उसको जान गवा के देनी पड़ी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, हेडमास्टर का मास्टर ने बच्चे की बड़ी बेरहमी से पिटाई की है और इसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम समस्त SC और BC समाज के लोग एकत्रित होकर उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए DC के माध्यम से नेहरू पार्क के अंदर एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान सरकार नैतिकता। इंद्रजीत लड़के के लिए 31 हुए हैं यहाँ पार्क में, नेहरू पार्क में, और सभी को जो है ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और हमें न्याय चाहिए। न्याय के लिए हम जो है एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हम कोई जुल्म सह नहीं करेंगे, तो इसलिए सारे 31 होके और हम अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत।